जो हम लोगों की यहाँ समस्या है मंगल मार्केट की, वो मंगल मार्केट जो मंगल बाजार है वो यहाँ कॉलेज में ना लग के उनको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि यहाँ आने जाने वाली छात्राओं को कोई असुविधा ना हो। केवल अपने लिए ना काम करें। हाँ। आजकल ये हो रहा है कि केवल अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों तक सीमित रह रहे हैं। और मैंने यहाँ नगर निगम में कई बार ये एप्लीकेशन भेजी कि आप बस केवल हमारे लिए परमिशन दे दीजिए, सौंदर्यीकरण हम खुद कर लेंगे। हमने ये भी कहा कि पौधों की देखभाल भी हम खुद कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो वरना जो स्पेस सौंदर्यीकरण वाला था उसको हमारे इससे अछूता रह गया। चुनावी माहौल है और चुनाव बहुत नज़दीक है, 4 तारीख को आने वाली 4 मई को चुनाव होना है। और हमारे साथ में आज ये चुनावी चौपाल हमने सजाई है, और इस चुनावी चौपाल में हमारे साथ चूंकि महिलाओं का चुनाव है और जो प्रत्याशी हैं वो सभी महिलाएं हैं, तो आज हम महिलाओं से जानते हैं कि क्या उनकी सोच है और किस तरह का वो चुनाव को देखती हैं और क्या फिरोजाबाद में वो चीज़ें देखती हैं, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिक्षिकाएं हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर दाऊदयाल कॉलेज में के प्रांगण में हम उपस्थित हैं, ये चौपाल लगा रहे हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर इंदिरा गुप्ता। इंदिरा गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि फिरोजाबाद में किस तरह की चीजें हैं जो एक महिला होने के नाते आप देखती हैं कि ये काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए था? एक तो शिक्षा की दृष्टि से यहाँ बहुत मतलब थोड़ा लोग पीछे रहते हैं, काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, लड़कियां कॉलेज आ नहीं पाती हैं। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको प्रेरणा मिले कि वो कॉलेज आएं, पढ़ें, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाएं। और दूसरा, यहाँ सफाई की परेशानी है, सफाई यहाँ पर ठीक से हो नहीं पाती है, पेड़ पौधे नहीं लग पाते हैं, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, क्या क्या शुभ नाम है आपका? मेरा डॉक्टर नूतन राजपाल। नूतन जी, आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमने देखा कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, लगभग सारे प्रत्याशी जो हैं वो गृहिणियां हैं, तो क्या कोई गृहिणी इतने बड़े पद को, जो कि शहर का प्रथम नागरिक होता है, इस पद को संभाल पाएगी? बिल्कुल, गृहिणी ही एक ऐसी महिला है, महिला ही सारे क्षेत्र को संभाल सकती है। एक पुरुष जो कार्य नहीं कर सकता वो महिला सब कर सकती है, और आज के समय में तो महिला पुरुष से कंधा मिलाकर भी चल रही है, तो क्यों नहीं कर सकती। एक महिला ही प्रत्याशी ऐसी है जो पूरी स्वच्छता को ध्यान रख सकती है, और मेयर बनकर मेयर का जो मुख्य काम है वो पूरे हमारे फिरोजाबाद नगर की स्वच्छता को देखना, जो कि यहाँ की बहुत खराब है। और अगर मेयर बन जाती है कोई महिला, तो वह यही चाहेगी कि पूरे फिरोजाबाद नगर को स्वच्छ करे, उसमें पेड़ पौधे लगवाए, सौंदर्यीकरण करे, क्योंकि महिला ही एक सौंदर्यीकरण को अच्छे से जान सकती है। जी, क्या बात है। महिला चूंकि घर का सौंदर्यीकरण और घर की साफ सफाई, वही नगर की साफ सफाई और घर का नगर का सौंदर्यीकरण वो कर सकती है। जी, ये एक्सपीरियंस तो कम से कम गिना जा सकता है। जी, मैं प्रोफेसर विनीता यादव। जी मैम, अगर यहाँ जो फिरोजाबाद शहर में ये मेयर पद के लिए महिला रिजर्व सीट है, जी, तो महिला आएगी तो जरूर यहाँ पर बदलाव आएंगे। और ये है कि अभी तक पिछले समय में महिला को केवल घर के चारों दीवारों में बंद समझा जाता था कि महिला कुछ नहीं कर पाएगी, पर महिला में जो जितना आत्मविश्वास है शायद पुरुषों में कम है, तो इसलिए वो महिला पूरा सफाई का और स्पेशली जो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर वो कोई कई कार्य करेंगी, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा सा होगा। और बरसात के दिनों में जो जल भराव हो जाता है, ट्रैफिक का इधर उधर है, उसके लिए थोड़ा बदलाव होना चाहिए। जी 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 विनीता जी, सबसे पहले तो क्या कमियां आपको दिखती हैं फिरोजाबाद के अंदर जो कि अभी होना बाकी हैं, उनको उनमें सुधार होना बाकी है और वो चीजें होनी चाहिए फिरोजाबाद में? सबसे पहले तो सौंदर्यीकरण के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि जैसे हमारा कॉलेज है ये पुल के नीचे है, और हम लोग जब मैंने 5 साल पिछले साल में प्राचार्य पद पर थी, और मैंने यहाँ नगर निगम में कई बार ये एप्लीकेशन भेजी कि आप बस केवल हमारे लिए परमिशन दे दीजिए, सौंदर्यीकरण हम खुद कर लेंगे। तो जैसे हमारे कॉलेज में लोगों की कार की पार्किंग वगैरह के लिए हम लोग बनाने को तैयार थे, हमने ये भी कहा कि पौधों की देखभाल भी हम खुद कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो वरना जो स्पेस सौंदर्यीकरण वाला था उसको हमारे इससे अछूता रह गया। और दूसरा, एक मंगल बाजार जो हमारे कॉलेज के बाहर लगता है, और उसके लिए लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं, बाहर से बच्चे लड़के फफ्तियां कसते हैं उनपे, लड़कियों के लिए मंगल को हमारे यहाँ स्टैंड भी बहुत कम रहती है बच्चों की। अच्छा। क्योंकि वो आना नहीं चाहती लड़कियां मार्केट की वजह से, तो हमने उसके लिए भी एप्लीकेशन बहुत बार दी, लेकिन वो कोई सॉल्यूशन आज तक मिला नहीं। तो मैं चाह रही हूँ कि जो भी एक नया मेयर अब बने,
तो महिलाओं की को देखते हुए, लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए हमारे ये दोनों काम सॉल्व कराया जी, जी, महिला सुरक्षा जी जी, जो भी महिला बने केवल अपने लिए ना काम करे। हाँ। आजकल ये हो रहा है कि केवल अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों तक सीमित रह रहे हैं, तो इसलिए पूरे समाज के लिए और जनमानस की समस्या को समझे तभी काम हो पाए, उन्नति जी, जी धन्यवाद धन्यवाद। मैम आपकी नजर में क्या होना चाहिए, कैसा मेयर होना चाहिए? देखिए पिछली बार भी हमारी जो मेयर थी वो भी महिला थी, और इस बार फिर एक बार इस बार चुनाव में फिर एक बार प्रथम नागरिक होने का श्रेय किसी महिला को ही जाएगा, क्योंकि इस बार भी महिला के लिए ये रिजर्व सीट है जी। तो ये सौभाग्य फिर प्राप्त होगा फिरोजाबाद शहर को कि एक महिला नागरिक होगी। तो जो भी मेयर बने महिला, क्योंकि महिला का कार्य क्षेत्र इतना बड़ा होता है हम देखें, तो वो घर भी संभालती है, यदि कामकाजी महिला होती है तो वो घर के साथ साथ अपना ऑफिस भी संभालती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो महिला एक मेयर होना फिरोजाबाद के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि वो एक अच्छी अपने जो उसका तरीका है उससे उसको अपने एक सुनियोजित तरीके से, क्योंकि कोई भी महिला कामकाजी हो वो एक अपना प्लानिंग लेके चलती है कि उसको घर भी अपना संभालना है और अपना कार्य क्षेत्र भी संभालना है, तो उनकी एक प्लानिंग होती है, उसी प्लानिंग के अनुसार वो काम करती है। तो एक महिला होगी तो हो सकता है उसकी अपनी अपनी कुछ प्लानिंग हो कि उनको शहर को किस तरीके से लेना है। देखिए सबसे बड़ा काम यही है कि जो मेयर बने, जो भी मेयर बने, सबसे पहले वो यहाँ के सौंदर्यीकरण पर ध्यान दे, जो गंदगी है स्वच्छता पर ध्यान दे, गंदगी हटाए स्वच्छता लेके आए। दूसरा जो हम लोगों की यहाँ समस्या है मंगल मार्केट की, वो मंगल मार्केट जो मंगल बाजार है वो यहाँ कॉलेज में ना लग के उनको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि यहाँ आने आने जाने वाली छात्राओं को कोई असुविधा ना हो। तो महिलाओं की असुविधा को उसको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार हम काफी एप्लीकेशन दे चुके थे लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पहले भी महिला थी हमारी मेयर प्रथम नागरिक थी, और अभी भी एक बार फिर हो सकता है, फिर जो है महिला ही प्रथम नागरिक होंगी इस शहर की। तो उनसे भी यही आशा रहेगी कि उस समस्या का एक तो ये समाधान हो, दूसरा जो प्लानिंग है, जो भी देखिए शहर के लिए बहुत सारी विकास प्रोग्राम होते हैं, उन विकास के जो कार्यक्रम हैं उन विकास कार्यक्रमों को जो है एक अच्छे तरीके से लागू किया जाए, ताकि हर जो शहर का हर नागरिक है वो उनसे लाभान्वित हो सके। जी धन्यवाद। तो ये है महिलाओं की राय, और जो महिलाएं हैं जो आज हमारे साथ में उपस्थित हैं हमारे इस चौपाल में हमारे साथ रहीं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी शिक्षिकाएं हैं, प्रोफेसर्स हैं, और आपने अपनी दृष्टि से बताया कि किस तरीके का मेयर फिरोजाबाद में होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप सभी से अपील यही रहेगी कि 4 मई को आने वाले चुनाव में आप अपना वोट जरूर दें, क्योंकि वोट की ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो यदि आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो वोट जरूर करिएगा, जो भी आपको कैंडिडेट पसंद है आप उसे वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।